तो अब खबरें विस्तार से। पानीपत जिले में पड़ोसियों से चल रहे विवाद और मिल रही लगातार धमकियों से आहत होकर एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक का शव उसकी ही गाड़ी में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। पिता ने बापौली थाना पुलिस को इस मामले की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सात नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल मॉर्चरी में चल रहा है। गौरतलब है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया। कल रात को 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी थाना में कंट्रोल रूम से भी कोई नाम का लड़का ब्रॉडबैंड पार्क अस्पताल में एडमिट है। कार्रवाई के लिए पहुंचे, वहाँ मौके पर पहुंचे, वहाँ देखा तो ब्रॉडबैंड हालत में मिला, जिसको पोस्टमार्टम के लिए रात को ही सरकारी अस्पताल में ले आए थे। अब पोस्टमार्टम हो रहा है। सर, काउज ऑफ डेथ क्या है, कारण क्या? कारण तो अभी बाद में पता।